देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कोवैक बुलेटिन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में आज देवभूमि व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने नगर मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह को ज्ञापन दिया। दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि हल्द्वानी शहर के सभी प्रतिष्ठानों को शीघ्र खोला जाए, शहर में सैनिटाइजिंग नहीं किया जा रहा है उसको भी शीघ्र कराया जाए, और व्यापारियों को चिन्हित कर उन व्यापारियों को सरकार के द्वारा सहयोग प्रदान कराया जाए जिसमें कोरोना काल में व्यापारियों को नुकसान हुआ है। वही देवभूमि व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हुकुम सिंह कुमार ने कहा है कि अगर जल्द ही सभी प्रतिष्ठानों को शीघ्र नहीं खोला गया तो हम लोग जबरन अपने प्रतिष्ठान खोल देंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वही नगर मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि दिए गए व्यापारियों के ज्ञापन पर ध्यान दिया जाएगा, जल्दी से जल्दी सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए नगर निगम के साथ बैठक भी कर ली गई है, और व्यापारियों का व्यापार को खोलने को लेकर जिला अधिकारी महोदय से वार्ता की जाएगी। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से संवाददाता समी आलम की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र। मुझसे संबंधित जो भी मामले हैं उनका तत्काल संज्ञान लिया जाएगा, और जो उच्च स्तर से संबंधित मामले हैं मैं इससे अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराऊंगी, और निश्चित ही जो इनकी मांगे हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। मैं सैनिटाइज की बात की, इस बाकी में सैनिटाइज इस बार बिल्कुल कहीं मार्केट या कहीं पर नहीं, जगह जगह बहुत ही कम सैनिटाइज देखा, इसको लेकर कि संक्रमित अभी खत्म नहीं हुआ है, संक्रमित लोग कम मिले हैं लेकिन सैनिटाइजर बिल्कुल नहीं होता, इसको लेकर क्या करेंगे आप? नहीं देखिए, बिल्कुल नगर निगम के साथ बैठक करके इस मामले का मैं शीघ्र निस्तारण कराऊंगी। के व्यापार मंडल के लोग बहुत लंबे समय से आंदोलित हैं, उनकी रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। आज नई सिटी में स्टेट यहाँ पर आई थी, हमने उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि आप दुकानें खोलने का प्रयास करें और बाज़ार की सफाई और सैनिटाइज की व्यवस्था करें, और जो रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं सर्वे करके उन दुकानदारों को आर्थिक सहायता देने का काम करें। अगर सरकार प्रशासन अगर बाज़ार पूरा नहीं खोलेगी तो हम लोग जबरन अपनी दुकानें खोल देंगे, और इसकी जिम्मेदारी सब प्रशासन शासन की होगी, क्योंकि रोजी रोटी का संकट पैदा हो चुका है आज के दिन। नगर मजिस्ट्रेट कह रही है कि आपकी भावना का मैं आदर करती हूँ, शासन प्रशासन से आपकी बात को मैं पहुँचाऊँगी, और हमें उम्मीद है कि शासन प्रशासन हमारी सुनेगा, क्योंकि अब बहुत हो चुका है।